सर बहुत स्वागत जी हिंदुस्तान पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुल सुप्रियो जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं चाहूंगी कि बस जनता आपको देख रही है जी मीडिया के माध्यम से। बाबुल सुप्रियो खुद देखिए इस रथ को सजा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो मेरे साथ मौजूद है इस रथ में माला लगाते हुए, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं मेरे दोस्त की शादी में भी जाता ना जी। तो मैं वो किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ। मेरे घर पे भी जितने स्टाफ है ना वो बड़े डरे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि ये जगह कचरा है इसको साफ करना है, यहाँ पे ये पौधा लगाना है, मैं एक सर्टेन टाइम तक वेट करता हूँ। सर मैं पहले दिन से आपको देख रही हूँ, खुद कर लेता हूँ। और ये जो है ये ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत मतलब बहुत ही क्या कहूँ दिल के करीब है। जिस तरीके से मेहनत कर रहे, एक राज्य तो नहीं बहुत सारे राज्य में साथ में चुनाव हो रही है, जिस तरीके से अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी मेहनत कर रहे हैं, ये मतलब काबिले तारीफ, हम जितना भी करें वो कम है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ उनके हाइट के हिसाब से, थोड़ा देखिए पहले जो था अभी जो है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सिर्फ ये टालीगंज के लिए चुनाव इसके लिए आ रहे हैं, तो ये मेरा दायित्व बनता है, ये मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर। मैंने उस दिन भी देखा जिस दिन पहले चरण का चुनाव चल रहा था, आप अपने हाथों से पर्चे लगा रहे थे, मैंने उस दिन भी आपसे बात की। कल जब आप रोड शो निकाल रहे थे तब भी मैंने बात की, वहाँ के लोगों से आपसे बात करने के बाद की तो लोगों का ये पूरा जोश नजर आया कि इस बार यहाँ अगर कोई आएगा तो बाबुल सुप्रियो, चूंकि 2006 से 2000 अब तक 2016 तक यहाँ पर अरुण विश्वास जी को जनता ने समर्थन दिया, इस बार का जो संकेत मिल रहा है ये निश्चित तौर पर कह रहा है कि परिवर्तन की लहर है। लेकिन इस बीच सवाल मेरा ये कि ममता बनर्जी ने जो कल सैनिक शहीद हुए उन पर सवाल उठा दिया कि ये सब चुनाव के नतीजे से हो रहा है, क्या कहेंगे इस बयान पर? घटिया सोच है। मैं देखिए ममता बनर्जी के बयानों का के अगेंस्ट में, ममता बनर्जी के बयानों के पे कोई भी टिप्पणी करना या समझ लीजिए उस पर रिएक्ट करना जो है ना, वो मैं एंगर मैनेजमेंट समझता हूँ। तो मैं भी बहुत गुस्से वाला आदमी था, लेकिन ये ममता बनर्जी, कुणाल घोष, ये जो भी उनके सब है, ये जितने अनाप शनाप भक्ते हैं ना जो बातें कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का चेयर का डिग्निटी 10 साल में कभी उन्होंने बरकरार नहीं रखा। हर डेमोक्रेसी के हर पिलर को उन्होंने तौहीन किया, और आज इस जो ये जो घटना घटी है उसके ऊपर भी वो राजनीतिक आरोप लगाए। किस तरीके के मुख्यमंत्री है, क्या उनकी सोच है, ये तो हमारे पॉलिटिक्स में एक रिसर्च का विषय होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पद में बैठने के बाद भी कोई सर्वनिम्न स्तर जो होता है बातचीत करने का या बयानबाजी करने का, उस स्तर को कैसे रोज एवरीडे उसे तोड़े और नीचे स्तर में पहुंच जाए। तो बहुत बहुत ही घटिया कमेंट है, बहुत घटिया सोच है, और लेकिन यही तृणमूल कांग्रेस की टीआरपी है और उसी वजह से बंगाल जो है असली परिवर्तन देखने के लिए जा रहा है। पुलवामा उनको याद आ रहा है, सर कह रहे हैं कि इलेक्शन था तो पुलवामा इलेक्शन हुआ तो छत्तीसगढ़ हो गया, जनता जान रही है। और एक सर जो पोस्टर रिलीज किया है कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले व्यक्ति को लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, यानी कि जय श्री राम अगर आप बोलेंगे तो आपका ये हालत होगी, इस पूरे पोस्टर के बारे में आप देखिए 2 तारीख आने दीजिए, फिर तृणमूल के जो चोर लोग, जो गुंडे लोग, उनकी ऑलरेडी बात हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने कहा है, जो इलीगल जो गुंडे जो ये ट्रालीगंज में भी जो यहाँ के विधायक हैं, मैं एकदम यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जय बच्चन जी ने मुझे करियर में काफ़ी सपोर्ट किया है। बच्चन साहब के साथ मेरा पहला जो ब्रेक है 1993 में कल्याण जी, आनंद जी के साथ, मैं 22 साल का था उस वक्त, मुझे ब्रेक मिला था। मेरे अपने एल्बम, मेरी बेटी के एल्बम सब बच्चन साहब ने वो किया, लॉन्च कर दिया। जय जी के साथ राज्यसभा में जो है काफ़ी बातचीत होती है, उन्हीं के कंपनी से सात रंग के सपने में मुझे पहली बार एक पूरी फिल्म मिली थी, नदीम श्रवण की म्यूजिक में, आती है तो चल, काफ़ी हिट भी हुआ था। मुझे बिल्कुल यकीन है, देखिए ये राजनीतिक निर्णय है, ऑब्वियसली अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो बीजेपी के पक्ष में तो है नहीं, तो वो लिहाजा बिल्कुल समर्थन के में आ सकते हैं तृणमूल की, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अरूप विश्वास, स्वरूप विश्वास की असलियत क्या है, क्या कैसे वो पूरे बंगाल के इलीगल कार्यक्रम, समाज विरोधी जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इलीगल सिंडिकेट हो, कटमनी हो, चोरी हो, पब्लिक की पैसे की चोरी हो, ये जो उनका जो पोस्टर बॉय है अरूप विश्वास, उनके बैकग्राउंड के बारे में या तो उनको झूठ कहा गया है, या हो ही सकता है कि हम कई बार चुनाव प्रचार में लोगों के लिए जाते हैं, उनका बैकग्राउंड मालूम नहीं होता। अगर बैकग्राउंड मालूम होता
तो जया बच्चन जी इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी के हैं, वो किसी भी हालत में अरुण विश्वास के लिए प्रचार के लिए राजी नहीं होते, ये मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि अरुण विश्वास पर ये आरोप लगते रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग होने के बाद भी पहले खेल मंत्री रहे और फिर पीडब्ल्यूडी विभाग रहा, ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे, लेकिन बावजूद इसके उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। देखिये यहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर देखिये तस्वीरें में लगातार आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें में लगातार ये सादगी है, ये बाबुल सुप्रियो जी की सादगी है कि जब उनको माला पहनाई जाती है तो कार्यकर्ताओं के गले में माला पहना देते हैं। सर यही अंदाज आपका आपके कार्यकर्ताओं और यहाँ के लोगों को बहुत भाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसमें कोई छल कपट नहीं है। मैं आसनसोल में इतने साल रहा हूँ, मैं सबके साथ कचौरी भी खाने घुस जाता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, ये मेरा नेचर है। इससे मेरा मैं अलग रूम में अकेला बैठ के मेडिटेट नहीं करता हूँ। ये जो छोटे छोटे मुहूर्त पूरे दिन में इस टेंशन में क्रिएट होती है, इतना सब कुछ चल रहा है, यही मेरे लिए मेडिटेशन है। तो ये मुझे हेल्प करता है कि मैं ज़मीन से भी जुड़ा रहूँ, और ये कई बार मैं जो टफ टास्क मास्टर हूँ तो जो हमारे विरोधी है वो बड़े मतलब क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि इनके साथ लड़के नहीं है उसलिए ये कर रहे हैं, ये कितना झूठा है ये आपको दिख ही रहा है। तो यही बात है, तो सादगी के साथ हो रही है, गहमा गहमी भी होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम सब लोग मिलके असल परिवर्तन के लिए बहुत सब लोग तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं। सर ममता बनर्जी कहती हैं कि दिल्ली वाले बंगाल की अस्मिता को नहीं जानते, लेकिन जेपी नड्डा जी ये उत्तम कुमार की मूर्ति है और यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जाहिर है कि उत्तम कुमार का लक्ष्मी बहुत रहा है, तस्वीरें कैसी सादगी कैसी तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। लक्ष्मी आप नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आप करो करेंगे।